السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة عليهم السلام. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين الهادين المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره، واجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من أول يوم عداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى. بندگان خدا، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی تلقین کرتا ہوں جو بہترین زادرہ ہے، بہترین توشہ آخرت ہے، اور ہمیں یہ افتخار اور امتیاز حاصل ہے کہ ہم امام المتقین کے دامن سے وابستہ ہیں. الحمدللہ، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. بس یاد رکھیں کہ علی متقین کے امام ہیں. جو تقویٰ پیشہ نہیں ہے اس کا علی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. ایام غدیریہ ہیں اور حسن اتفاق کہ اس دفعہ عید غدیر بھی جمعرات ہی کے دن آئی ہے. جمعرات کا دن 10ویں ذوالحجہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے نکلے. حجاج کرام کی تعداد جو بتائی جاتی ہے روایات اور احادیث میں 90,000 بھی ہے، 1.5 لاکھ کا بھی تعداد ذکر ہوا ہے، لیکن کم سے کم جو تعداد ہے وہ 1.25 لاکھ حجاج کرام کا مجمع ہے. حضور نکلے ہیں مکے سے، تقریباً 3 میل کا فاصلہ ہے مقام جحفہ، جہاں غدیر خم ہے. غدیر ایک تالاب، ایک جوہر کا نام ہے، اور وہ علاقہ وہ ہے کہ جہاں سے حجاج کرام مختلف ممالک، مختلف شہروں کے رہنے والوں کے لیے الگ الگ وہاں سے راستے نکلتے ہیں. بصرہ والے، کوفہ والے، عراق اور یمن اور دیگر ممالک کے افراد وہیں سے الگ ہو جاتے ہیں. جب اس
मकाम पे पहुंचते हैं तो जिब्राइल अमीन आयत लेके नाजिल होते हैं, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उंजिला इलैक मिन रब्बिक वइन लम तफअल फमा बल्लगत रिसालतह वल्लाहु यअसिमुक मिनन नास। ये आयत के तेवर बिल्कुल ही जुदा गाना है, आयत का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। कुरान करीम कभी यासीन, कभी ताहा, कभी अय्युहल मुज़म्मिल, कभी अय्युहल मुद्दसिर कहकर खिताब कर रहा है, लेकिन यहाँ पर खिताब का अंदाज बिल्कुल जुदा गाना है। या अय्युहर रसूल, ए पैगाम पहुँचाने वाले, बल्लिग मा उंज़िला इलैक मिन रब्बिक, जिसका तुम्हारी रब के जानिब से हुक्म आया है उसे पहुँचा दो। वही लम तफअल फमा बल्लगत रिसालतह, अगर आपने ये पैगाम नहीं पहुंचाया तो गोया रिसालत का कोई काम ही अंजाम नहीं दिया। उसके बाद ततीमय आयत देखिए, वल्लाहु यासिमुक मिनन नास, हुजूर सरवर कायनात को जिस बात का अंदेशा था, जिस बात का खौफ था, उस खौफ से खुदावंद मुताल बेनियाजी का ऐलान फरमा रहा है कि मेरा हबीब वल्लाहु यासिमुक मिनन नास, किसी किस्म का खौफ और ख़तरा आप जहन में ले लाइए, अल्लाह आपको लोगों से बचाने वाला है। जब यह आयत नाजिल हुई तो हुजूर सरवर कायनात ने बिलाल से फरमाया कि सबको आवाज़ दो, सबको बुलाओ, जो आगे निकले हैं उनसे कहो वापस पीछे पलट आए, जो पीछे रह गए उनसे कहें कि आके हमसे मिले। गोया हुजूर अकरम अमली तौर पर यह बताना चाहते हैं कि अली वो मरकज हिदायत है कि जिससे आगे जो निकले वो भी गुमराह है और जो पीछे रह जाए वो भी गुमराह है। सआदत दुनिया, सआदत उखरवी और हिदायत सिर्फ उसे ही हासिल है जो इसी मरकज हिदायत से वाबस्ता रहे, जो इससे भटक गया आगे निकला वो भी गुमराह है, जो पीछे रह गया वो भी गुमराह है। मखसूसन आज के अफराद के लिए हुजूर अकरम का ये पैगाम है कि जो अफराद गाली और मुकसर के तमगात बेचते फिर रहे हैं उनके लिए कि हुजूर अकरम अमली तौर पर बता रहे हैं कि इस मरकज हिदायत से वाबस्ता रहोगे तो हिदायत मिलेगी, इससे आगे बढ़ोगे तो भी गुमराह होगे, पीछे रह जाओगे तो भी गुमराह होगे। फिर उसके बाद एक मुनफरिद मिंबर बनाया गया जो ना पहले कभी बना और ना कभी कयामत तक ऐसा मिंबर नसब होगा, पालन शुतुर का मिंबर। हुजूर अकरम मिंबर पर तशरीफ ले गए और जितने आपके खुतबात हैं उन तमाम खुतबों में सबसे तवील खुतबा खुतबा गदीर है, जिसमें हदीस सकलैन भी इसी खुतबे का हिस्सा है, जिसमें आपने अपने कार रिसालत के तमाम जो कुछ आपने अंजाम दिया वो सब बयान फरमाया कि क्या मैंने यह हुक्म तुम तक नहीं पहुंचाया, यह हुक्म नहीं पहुंचाया, सबने गवाही दी। भला या रसूल अल्लाह, खुदा ने फिर हुजूर सरवर कायनात ने खुदा को शाहिद करार दिया, अल्लाहुम्मा शद, लोगों से तमाम चीज़ों का इकरार भी रहते रहे और हर मौके पे अल्लाह को शाहिद बनाते गए और आखिर में एक जुमला इरशाद फरमाया कि लस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारे नफूस पर तुम्हारे जानों पर तुमसे ज्यादा इख्तियार नहीं रखता। सबने बैक जबान कहा बला या रसूलल्लाह, क्यों नहीं, हमारे नफूस पर हमारे जानों पर आप सबसे ज्यादा इख्तियार रखते हैं, तो जिसको बिठाया गया था जिस मकसद के लिए अब उसको दोनों हाथों पर बुलंद फरमाया और इतना बुलंद फरमाया हुजूर सरवर कायनात के बगल की सफेदी नजर आने लगी
और दोनों हाथों पर बुलंद करके फरमाया, फमन कुंत मौला हूँ फहादा अली मौला, पर जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका यह अली मौला है। देखिए, एक बुजुर्ग आदमी जब एक बच्चे को उठाता है तो उसका पूरा जिस्म नहीं छुपता, कुछ हिस्सा जिस्म का छुप जाता है, लेकिन पूरा जिस्म नहीं छुपता। लेकिन जब एक बड़ा आदमी एक पूरे कद के बड़े आदमी को बुलंद करता है अपने सामने, तो चंद लम्हों के लिए जिसे बुलंद किया गया है वो नुमाया होता है और जो बुलंद कर रहा है वो छुप जाता है। गोया हुजूर अकरम अमलन और कौलन बता रहे हैं कि जब आफ्ताब रिसालत गुरूब हो तो ये तुलू इमामत है, इससे रोशनी लेते रहना। कोई इबहाम नहीं, बिल्कुल वाज़े आप दिखा दिखा के फरमा रहे हैं। अल्फाज को भी देखिए कि फहादा अली मौला, ये अली मौला है, कोई दूसरा नहीं है। बस जिस जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली, हादा अली मौला हूं, ये अली मौला है। ऐलान हुआ, उसके बाद आपने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा वाली मन वाला हूं वादि मन आदा हो वंसुर मन नसरा हो वख्दुल मन खदला। परवरदिगार जो इसे दोस्त रखे उसे तू भी दोस्त रख, जो इससे दुश्मनी रखे तू भी उससे दुश्मनी रख, जो इसकी नुसरत करे तू भी इसकी नुसरत कर। ये वाकया कोई चंद घंटों का वाकया नहीं कि जिसे फरामोश कर दिया जाए, ये वाकया पूरे तीन दिन का वाकया है। गदीर खुम तमाम अहादीस में सबसे मुतवातिर हदीस जिसके रावियों के तादाद 100 से ज्यादा है, अल्लामा अमीनी ने किताब अल गदीर में उसके एक जिद में सिर्फ रावियान हदीस का नाम लिखा है, रावियान हदीस को बयान फरमाया है। पूरी एक जिल्द है, जो पहली जिल्द है किताब अल गदीर, उसमें सिर्फ रावियान हदीस के हवाले से गुफ्तगू की गई है। जो हक के मुतलाशी हैं जाके किताब अल गदीर का मुतालिया फरमाएं। वाक़े गदीर से मुतालिक सूरह माईदा की तीसरी आयत 67वीं आयत और सूरह मआरिज की पहली दूसरी तीन आयत, ये तीन चार आयत हैं जो गदीर से मुतालिक हैं कि जब ऐलान हुआ हुजूर अकरम के हुक्म से मौला अमीर अल मोमिनीन के लिए खेमा नस्ब हुआ और हुक्म हुआ कि तमाम अफराद आकर अमीर अल मोमिनीन को सलाम करें अमीर अल मोमिनीन कहकर और आपके हाथ पर बैअत करें। ऐसे मौके पर यह आयत नाजिल हुई, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا। आज दीन कामिल हुआ, اليوم أكملت لكم دينكم, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल किया, وأتممت عليكم نعمتي, और आज ही के दिन अपनी तमाम नेमतें मैंने तमाम की, ورضيت لكم الإسلام دينا, और इस्लाम को तुम्हारे लिए दीन के तौर पर मैंने मुंतखब किया, पसंद किया और मैं इससे राजी हुआ। जब यह आयत उतरी, खैमा नसब हुआ, तो सबसे पहले कुछ बुजुर्गवार आए, उन्होंने आकर मुबारकबाद दी, बखन बखन लकया अबुल हसन कद असबहता मौलाया व मौला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, आपको मुबारक हो अबुल हसन, आज से आप मेरे और तमाम मुसलमान मर्द औरत के अमीर भव बन गए।
खेमा नसब किया गया। मर्दों ने आकर आपके हाथ पर बेयत की और ख्वातीन के लिए बेयत का ये तरीका रखा गया कि एक तश जिसमें पानी हो, एक तरफ मौला अमीर अल मोमिनीन ने उस तश में हाथ रखा, दूसरी तरफ से ख्वातीन ने एक बात दीगरे आकर उस तश में हाथ रखा और मौला अमीर अल मोमिनीन के हाथ पर बेयत हुई। ये 3 दिन मुसलसल खेमा नसब रहा, 3 दिन मुसलसल हुज्जाज कराम आते रहे और मौला अमीर अल मोमिनीन के हाथ पर बेयत होती रही। उसके बाद जब ये काफिला मदीना पहुंचा तो चूंकि एक फितरी बात है कि एक इंसान सफर पे जाता है, एक सफर कि जिसमें कोई तकलीफ ना हो, कोई मुश्किल ना हो, नॉर्मल तरीके से मामूल के मुताबिक एक इंसान सफर करता है तो वो सफर इंसान भूल जाता है, वो सफर उसके हालात वाकयात याद नहीं रहते। लेकिन एक सफर ऐसा हो जो गैर मामूली हो, लकोदक सहरा तपती धूप, ऐसे आलम में 3 दिन रोका जाए और यह अहद पैमान लिया जाए, ये किसी भी एतबार से बुलाने के काबिल नहीं था। और वो घर वाले जो मुंतजर थे कि जल्द पहुंचने वाले, 3 दिन हो गए अभी वो आ नहीं रहे, तो क्या घर वालों को तशवीश न हुई होगी कि नहीं मालूम क्या वाकया पेश आया, क्या सबब हुआ। गदीर हर एतबार से फरामोश करने के काबिल नहीं था, खुदावंद मुताल की जानिब से तमाम असबाब फराहम थे कि यह फरामोश शुदनी वाकया नहीं था, लेकिन फिर भी गदीर को फरामोश किया गया। आज जो कुछ मुसलमानों की हालत है वो इसी गदीर को फरामोश करने की वजह से है, इसलिए कि खुदावंद मुताल फरमाता है कि हदीस कुदसी में अगर पूरी दुनिया के तमाम मखलूक अली की विलायत पर मुत्तहिद होते तो खुदावंद मुताल जहन्नम को खलक ही न फरमाता। जहन्नम को खलक इसीलिए किया गया है कि अली की विलायत से इनकार किया गया। जब हुजूर सरवर कायनात मदीने पहुंचे तो एक शख्स हुजूर के खिदमत में आया, हारिस इब्ने नुमान फेहरी उसका नाम है, वो आके इंतहाई बेअदबी के साथ हुजूर अकरम से कहता है कि आपने हमें नमाज का हुक्म दिया, हमने नमाज पढ़ी, रोज़े का हुक्म दिया, हमने रोज़े रखे, हज का हुक्म दिया, तमाम जो जो अहकामात आपने बयान फरमाए हमने उन तमाम अहकामात की तामील की, अब जो आपने चचाजाद भाई को हमारे ऊपर हाकिम मुसल्लत किया है ये क्या अल्लाह की जानिब से है या आप अपनी जानिब से हमारे ऊपर हाकिम बनाए गए हैं, बना रहे हैं? अगर यह अल्लाह की जानिब से है तो मुझ पर अजाब नाजिल हो। ये कहकर अपनी सवारी तक अभी पहुंचा नहीं था कि आसमान से एक कंकर आया और वहीं पर भूसम होकर ख़त्म हुआ। इसी के लिए सूरह महारिज की पहली, दूसरी और तीसरी आयत साल साइर ब्याजाब वाक़ सवाल किया सवाल करने वाले ने उस आजाब का कि जो उसके ऊपर वाक़ हो गई। अब सवाल ये है कि हुजूर अकरम जो नबी रहमत है जिसके बारे में खुदावंद मुताल इरशाद फरमा रहा है वमा कान अल्लाहु लियुअज्जिबहुम वअंत फीहिम, ए मेरे हबीब जब तक आप इस कौम में मौजूद हैं मैं उस कौम को कभी भी अजाब में मुब्तला नहीं करूंगा। हुजूर नबी रहमत है, कभी हुजूर के सामने
किसी पर आजाब नाजिल ना हुआ, लेकिन यहां पर क्यों आजाब नाजिल हुआ इससे अंदाजा होता है। और जो आयत के तेवर है उससे अंदाजा होता है कि यह ऐलान विलायत और विलायत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि इतना अहम मसला है कि अगर हुजूर ऐलान नहीं करते हैं तो हुजूर की रिसालत खतरे में है। गोया खुदावंद मुताल यह बताना चाह रहा है कि मैं अपने दुश्मन को तो माफ कर सकता हूं, रिसालत के दुश्मन को तो माफ कर सकता हूं, लेकिन विलायत के दुश्मन को मैं माफ नहीं कर सकता। यह है विलायत अली इब्न अबी तालिब और अइमे अथहार सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहिम अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। लेकिन साथ साथ में यह भी फरामोश नहीं करना चाहिए कि हुजूर अकरम जिस तरह से हुजूर के लिए हुक्म हुआ बल्लिग का, इसी तरह से हुजूर अकरम की जानिब से हम सब के लिए हुक्म हुआ बल्लिग का। क्या आपने फरमाया फल युबल्लिगु शाहिदुल गायब वल वालिदुल वलद, बस जो भी मौजूद है इस मकाम पर उसके ऊपर लाजिम है कि वो जो मौजूद नहीं है उस तक गदीर पहुंचा दे। वल वालिदुल वलद, और हर वालिद के ऊपर लाजिम है कि वो अपने बच्चे तक गदीर को पहुंचा दे। गदीर में जो इस एक दिन के इतने फजाइल बयान हुए हैं, ये गदीर के दिन खाने खिलाना, सदका देना, कर्ज देना, ऐसा है कि गोया 1,24,000 अंबिया को कर्ज दिया गया हो। एक दिरहम खर्च करना 10,00,000 दिरहम खर्च करने के बराबर है। ये तमाम फजीलतें इसलिए हैं कि गदीर के दो पहलू हैं, एक मानवी पहलू कि मानवी जो खुदावंद मुताल की जानिब से अज्र व सवाब है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, कि गदीर के दिन खुशी मनाना, नए लिबास पहनना, खुशबू का इस्तेमाल करना, रोज़ा रखना, ये तमाम फजीलतें अपनी जगह, लेकिन असल जो हदफ है, असल मकसद है इन तमाम चीज़ों का, वो हदफ ये है कि गदीर कहीं फरामोश ना होने पाए। गदीर हर हाल में इस्लामी मुआशरे में जिंदा रहे, इसलिए कि तमाम जो मजालिम जो मुसीबतें इस्लाम के ऊपर वारिद हुई वो गदीर को फरामोश करने के नतीजे में वारिद हुई हैं। इसीलिए जनाबे सिद्दीक़ ताहिरा फातिमे ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, जब आप अपने हक के गसब होने, खिलाफत के गसब होने पर गिरिया फरमाती थी तो रावी ने क्या कहा कि बिनत रसूल आप क्यों गिरिया करती हैं? कहा मैं कैसे गिरिया ना करूं कि हक मेरा गसब हुआ, अबुल हसन के गले में रस्सी, तो कहा कि हुजूर अकरम को तायीन करना चाहिए था, बताना चाहिए था, अपना जानिशीन मुकर्रर करना चाहिए था, तो सैयदा कायनात सिद्दीक़ा ताहिरा फातिमे ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा ने इसी गदीर की तरफ इशारा किया कि क्या मेरे बाबा ने गदीर के बाद किसी के लिए हुज्जत बाकी रखी है? गदीर में सबके लिए हुज्जत तमाम हो गई, उसके बावजूद गदीर को भुला दिया गया। जितना जुल्म सितम हुआ ये सब गदीर को फरामोश करने के नतीजे में आज जो मुसलमान आलम
जिल्लत और पस्ती में है वो इसी गदीर को फरामोश करने के नतीजे में है। अगर गदीर मुआशरा इस्लामी में जिंदा होता तो आज ये जिल्लत और रुसवाई के दिन न देखने पड़ते। ये तमाम जिल्लत और रुसवाई इसी वजह से है। हमारे मुआशरे में कुछ अफराद आकर विलायत के नाम से कुछ नारे लगाते हैं, यह भी बहुत अहम है कि आज के हमारे मुआशरे में इसी विलायत के नाम पर लोगों को धोखा दिया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। सिंध में एक जाली शाह, नहीं मालूम उसका क्या नाम है, उसकी जानिब से विलायत का एक नारा बुलंद हो रहा है, और पंजाब में एक अबू जर नाम का, वो भी एक जाली शाह मरकज विलायत के नाम से विलायत के नाम पर लोगों को गुमराह करने के लिए एक सिलसिला शुरू किया गया है। और चंद हमारे जो नारे मारूफ हैं उन नारों के अलावा एक नारा नारे विलायत के नाम से अलग से लगाया जा रहा है। क्या ये नारे विलायत नारे हैदरी से भड़के है? ये अलग से कुछ कोशिशें की जा रही हैं। मैं बारहा आपकी खिदमत में आज करता रहा हूं कि मुसलसल मुख्तलिफ अंदाज से दुश्मनान दीन सरगर्म है, हम गाफिल हैं, हम पहचान नहीं पा रहे। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आज किया कुछ दुरुस्त में, और फिर दोबारा आपकी खिदमत में आज है कि अभी नौ जिलहज को एक शख्स अबा कबा में मेंबर पर बैठकर हजरत मुस्लिम के हवाले से कहता है कि हजरत मुस्लिम इसलिए मुश्किल में आ गए, इसलिए उनको ये तकलीफें उठानी पड़ी कि हजरत मुस्लिम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मारिफत न थी। अहमक इंसान, हजरत मुस्लिम को इमाम हुसैन की मारिफत न थी और किसको होगी? ये किस किस्म की बातें हो रही हैं? ऐसे अफराद को मेंबर से क्यों नहीं उतारा जा रहा, चाहे जिस शक्ल सूरत में भी हो? आजकल कुछ अफराद हमारे यहां से भी और पंजाब के मुख्तलिफ जगहों से एक साजिश के तहत ईरान और इराक चंद अफराद को, दीन से मुनहरिफ अफराद को भेजा जा रहा है। वहां जाकर दो तीन महीने लगाते हैं और वापस आकर अबाकबा लगाकर मेंबरों पर आकर लोगों को गुमराह करने के लिए कोशिश करते हैं। आगाह हो जाइए, होशियार हो जाइए। इस वक्त बसीरत दीनी सबसे अहम है, बसीरत दीनी सबसे अहम है। दुश्मन को पहचानना अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। अब समझ में नहीं आता कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, इसलिए कि दुश्मन दोस्त की शक्ल में सामने आ रहा है। जब इन्होंने देखा कि यह शेरवानी और जिना कैप ये किसी काम नहीं आ रहे, यह अल्लामा और यह खिताबात किसी काम नहीं आ रहे, तो उन्होंने अपनी रविश तब्दील कर ली, अपना रास्ता तब्दील किया। अब जा रहे हैं वहां पर ईरान इराक में, और चंद महीने गुजार कर अबा खबा पहन कर आकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप के शहर में बहुत से ऐसे अफराद मौजूद हैं, दीगर अफराद आप उनके अखवाल से पहचान सकते हैं। इसीलिए मौला इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि आपने फरमाया था कि बहुत से अफराद, दो तरह के अफराद हैं जिनके नजदीक दीन का मेयार दो तरह का है। एक वो दीनदार है कि जो लोगों की वजह से दीन को इख्तियार करता है, लोगों के सबब दीन को इख्तियार करता है, दीन पर अमल करता है, मुतदय्यिन बनता है। मौला फरमाते हैं कि वो फर्द
कि जिसके नजदीक दीन का यह मेयार हो, लोगों की वजह से दीन में दाखिल हो चुका हो, मुतदयिन बन चुका हो, दीनदार बन चुका हो, यही लोग उसे दीन से खारिज होने का सबब बनेंगे। इन्हीं लोगों की वजह से वो दीन से खारिज होगा। और कुछ अफराद वो हैं जिनके नजदीक मेयार दीन कुरान और सुन्नत है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक दीन में दाखिल हो चुके हैं, दीन को इख्तियार कर चुके हैं, जिनके नजदीक ये मेयार हो, कुरान और सुन्नत मेयार हो, मौला फरमाते हैं कि पहाड़ अपनी जगह छोड़ सकता है लेकिन ये दीनदार अपना दीन और ईमान नहीं छोड़ सकता। आज हमारे माशरे में यही सूरत हाल है, लोगों के नजदीक मेयार कुरान और सुन्नत नहीं है, लोगों के नजदीक मेयार लोग हैं। जो कुछ सोशल मीडिया पर चलता है उसी हिसाब से लोग इंतखाब करते हैं, इख्तियार करते हैं, लोग कसरत को देखते हैं कि सारे लोग किस तरफ जा रहे हैं, ये नहीं देखते कि हक किस तरफ है। याद रखिए कि हम इसे हक पे पैरोकार किल्लत में नजर आएंगे। कसरत की तो कुरान करीम ने मजम्मत की है, अक्सर हुमुल फासिकून अक्सर हुमुल काजिबून, कसरत तो ममदूह नहीं है, कसरत मजमूम है। लेकिन वो अफराद कि जो हक पर हो कलील हो, इन तमाम कसरतों के ऊपर भारी है। खुदावंद मुताल हक का बोलबाला फरमाए, मुतलाशियान हक हो, हक पर साबित कदम रहने, हक को अख्तियार करने और उस पर साबित कदम रहने की तौफीक इनायत फरमाए। इसलिए कि अली माल हक वल हक माली, अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। जो पैरवान हक है इंशाल्लाह दुनिया में भी सुरखरू हैं और आखरत में तो हैं ही, आखरत की तमाम सआदतें उनके नसीब में हैं। बारिलाहा इस ईद गदीर को हमारे लिए और तमाम मुसलमानान आलम के लिए ईद पुरबरकत और ईद सईद करार दे। खुदावंदा हक गदीर को अदा करने की हमें तौफीक इनायत फरमा। गदीर का जैसे प्रचार होना चाहिए था हमारे माशरे में, उससे आया निशान तरीके से हम नहीं मना रहे। बारिलाहा हमें ये तौफीक इनायत फरमा कि आने वाली ज़िंदगी में गदीर को उसके साया निशान मनाने की हमें तौफीक इनायत फरमा। बारिलाहा हमारी तमाम तात इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारे मरहूमिन की मगफरत फरमा। तमाम मोमिनीन मोमिनात दुनिया में जहाँ कहीं भी आबाद हैं, सबकी जान माल इज्जत आबरी की हिफाजत फरमा, सबको सेहत और सलामती और तुल उम्र इनायत फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा, सबकी मुश्किलात को आसान फरमा, जो बीमार हैं उन्हें सेहत कामिल और आजिला इनायत फरमा। मखसूसन मौलाना मोहम्मद हुसैन रईसी साहब जो महफिल मुर्तज़ा के इमाम जमात हैं, वो बहुत शदीद अलील हैं। खुदावंद मुताल बेहक मोहम्मद वाल मोहम्मद उन्हें सेहत कामिल और आजिला इनायत फरमाए। बारिलाहा तमाम मुसलमानान आलम को इत्तेहाद और इत्तेफाक़ की ताकत और क़ुव्वत इनायत फरमा। परचम इस्लाम को सरबुलंद और सरफराज फरमा। दुश्मनान इस्लाम जो हिदायत के काबिल नहीं उन्हें नीस्त नाबूद फरमा। दुश्मनान इस्लाम दुश्मनान मकतब तशैयो इस्लाम के खिलाफ, मकतब तशैयो के खिलाफ जो साजिशें कर रहे हैं, परवरदिगार उनके उन तमाम मकर फरेब और उनकी उन तमाम साजिशों को उन्हीं की तरफ वापस पलटा दे। बारिलाहा जालिमों को जालिमों के जरिए नाबूद फरमा। बारिलाहा मुंजी आलम बशरियत आकाइमाम ज़माने के जहूर में ताजील फरमा, हमें उनके अवान व अंसार में से करार दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल असर इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام رب الأرباب وإله كل مألوه وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد. وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي رحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحسن المصطفى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين سيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقي علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من عترة بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوسياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المودع نبيك ووارث علم الماضين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملي ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. مومن الكرام حالات حضرت پر گفتگو کرنے کے حوالے سے اب دامن وقت میں جگہ نہیں رہا لیکن ایک دو گزارشات. ایک تو کرونا وبا کے حوالے سے کب یہ وبا پھر سے شدت اختیار کر چکی ہے لہٰذا آپ تمام مومنین سے ایس او پیز پر سختی سے عمل کرنے کی درخواست ہے کہ تمام افراد ماسک پہنے اور دیگر جو بھی ایس او پیز ہیں ان پر عمل کریں. مسافیہ کرنے اور فاصلہ جو بتایا گیا ہے ان تمام چیزوں پر عمل کریں اس لیے کہ واحد حل احتیاط ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. بہرحال یہ ویکسینیشن وغیرہ جو کیا جا رہا ہے وہ بھی بہرحال بہت سارے اس کے حوالے سے تجزیات اور بہت ساری گفتگو ہے لیکن بہرحال ویکسینیشن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. صرف دو ویکسین کے حوالے سے کہ رہبر معظم نے بھی فرمایا ہے کہ ایسٹرازینکا اور فائزر جو برطانیہ کے ویکسین ہیں وہ بہرحال ایران میں ممنوع ہے لیکن یہاں پاکستان میں اس کے حوالے سے کوئی واضح فتویٰ موجود نہیں ہے یا مراجع عظام کی طرف سے کوئی ہدایت ہمارے لیے موجود نہیں ہے. لیکن ایران کے لیے کہ رہبر معظم نے فرمایا تھا کہ یہ برطانیہ والے ویکسین ایران میں اس کا داخلہ ممنوع ہے جو ایسٹرازینکا اور فائزر کے نام سے ہے یا ہو سکتا ہے دیگر نام سے بھی ہو. اس کے علاوہ جو ویکسین ہیں چائنا کی ویکسین اور رشیا کی ویکسین وغیرہ وہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے.
वैक्सीन के हवाले से बहरहाल कोई वाजह और सरी मराजे की तरफ से कोई ऐसा हुक्म या कोई ऐसी हिदायत सामने नहीं आई है, और बहुत से उलमा बहुत सारे अफराद ने वैक्सीन लगाई है, वैक्सीन लगाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन लाजिम है कि जो एहतियात SOPs बताई गई हैं उन SOPs पर अमल करें। आप देख रहे हैं कि मुसलसल इसमें शिद्दत आती जा रही है, और मखसूसन ये जो लहर आई है इसमें खुद हमारे बहुत से उलमा मुब्तिला हो गए हैं। खुदावंद मुताल इन तमाम मरीजों को सेहत कामिला और आजला इनायत फरमाए, मखसूसन जो हस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जो शदीद बीमार हैं, खुदावंद मुताल बहक़ मोहम्मद वाल मोहम्मद इन तमाम मरीजों को सेहत कामिला और आजला इनायत फरमाए, इस वबा का जल्द अज जल्द खात्मा हो, और तमाम मोमिनीन को खुदावंद मुताल इस वबा से महफूज रखे, महफूज कर रहने का दूसरों को भी और ख़ुद भी महफूज रहने और महफूज रखने का वाहिद हल यही है कि हम SOPs पर अमल करें, मास्क पहने, फासले को मद्देनज़र रखें, और मुसाफिया और दीगर जो इज्तिमाआत हैं वो इज्तिमाआत अगर SOPs के साथ हों तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये भी एक जुल्म है कि आप देख रहे हैं सऊदी अरब में हरम बंद है, हज उमरा मुअत्तल है, लेकिन खुराफात के तमाम इज्तिमाआत खुले हुए हैं, कैसे नॉर्थ सिनेमा बाजार सब खुले हुए हैं। अगर बंद है तो सिर्फ हरम बंद है। ये भी इंशाल्लाह आस्ता आस्ता ये हकायक मालूम होंगे कि ये असल साजिश क्या है और असल मकासद क्या हैं। ये तमाम चीज़ें आस्ता आस्ता वाजे होती जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जिन अफराद ने ये इस साजिश में जो भी शरीक हैं, खुदावंद मुताल उनके चेहरे से भी नकाब उतार देगा, ये साजिशें भी सब सामने आ जाएंगी, और इंशाल्लाह हरम और तमाम ज़ियारात फिर से इसी तरह से आबाद होंगे। और जिन्होंने भी ये साजिशें तैयार की हैं खुदावंद मुताल उनको निस्त नाबूद करें इंशाअल्लाह। दूसरी गुजारिश ये है कि जैसे हालात आपके सामने हैं, कल गदीर के दिन अफगानिस्तान में जो वाकया पेश आया, गदीर के मौके पर एक शादी के प्रोग्राम में दुश्मनान दीन ने काफर काफर के नारे लगाते हुए कई मोमिनीन को शहीद किया। खुदावंद मुताल इन शहदा को शहदा करबला के साथ महशूर फरमाए, और इन जालिमों को खुदावंद मुताल निस्त नाबूद फरमाए, इनके आकाओं समेत और शैतान बुजुर्ग ने यह बीज छोड़ा है। इंशाअल्लाह खुदावंद मुताल शैतान बुजुर्ग और इनके तमाम चीलों को हर जगह से जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है, और इंशाअल्लाह हर जगह से जिल्लत और रुसवाई के साथ ये शैतान बुजुर्ग निकलेगा, इंशाअल्लाह फिर से दुनिया में अमन अमान कायम होगा। आका इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। आपके ज़ुहूर से इंशाअल्लाह आलमी अदल कायम होगा, और ये तमाम ज़ालिमीन अपने अंजाम को पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। अय्याम अज़ा करीब है, इन तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तेफाक ये आज की हमारी सबसे अहम तरीन ज़रूरत है कि इंशाअल्लाह हमारा यह इत्तेहाद ही दुश्मन को तमाम अज़ाइम को खात्मे मिलाने के लिए काफ़ी है। वमकरो वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, मकर करने वाले साजिशें करने वाले मकर करते हैं, चालें चलते हैं, साजिशें करते हैं, लेकिन आका सैयदुश्शुहदा के आज़ादारी की बरकत से ये तमाम मकर और साजिशें इंशाअल्लाह सब अपने मौत आप मर जाएंगी, और इसी तरह से आज़ादारी सैयदुश्शुहदा दायम कायम रहेगा। लेकिन इसमें हमारे लिए
सबसे अहम तरीन चीज़ कि अपनी हिफाजत आपने खुद करनी है, दूसरों की तरफ देखना नहीं है। इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ अपनी हिफाजत आप खुद करें, इंशाअल्लाह अइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम भी हमारी हिफाजत फरमाएंगे। खुदावंदा तमाम मोमिनीन व मोमिनात शर्क़ व ग़र्ब आलम में जहाँ कहीं भी आबाद हैं, सबकी जान माल इज्जत व आबरू के हिफाजत के लिए, मुजाहिदीन इस्लाम की फतह व नुसरत के लिए, मराजिन उज़ाम की सेहत व सलामती और तूल उम्र के लिए, बिलखसूस बराए ज़ुहूर फ़र्ज़ंद ज़हरा आका इमाम ज़माना तीन मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़िए। بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته